एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमले में शिवसेना का हाथ, एफआईआर में ठाकरे के करीबी का नाम। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे के महासचिव संदीप देशपांडे पर शुक्रवार को क्रिकेट बैट और स्टंप से लैस नकाबपोश लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था। मनसे नेता ने पुलिस को दिए अपने बयान में दावा किया कि हमलावरों में शिवसेना का हाथ है। मनसे नेता और पार्टी महासचिव संदीप देशपांडे पर हुए हमले में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में युवा शिवसेना के एक नेता का नाम है। बताया गया कि वह ठाकरे का करीबी नेता है। मनसे नेता ने पुलिस को दिए अपने बयान में दावा किया है कि हमलावरों में एक वरुण ने कहा कि तुमने ठाकरे से पंगा लिया। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने उन्हें मारते समय अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। शिवाजी पार्क पुलिस ने मनसे के महासचिव और पूर्व पार्षद पर हमले के सिलसिले में चार लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है। मनसे नेता संदीप देशपांडे पर हमला मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को भांडुप इलाके से हिरासत में लिया है। एक संदिग्ध का नाम सोलंकी बताया जा रहा है, जो कि शिवसेना उद्धव गुट का पदाधिकारी है और सुनील राउत के लिए काम करता है। हमला करने वालों ने राजकीय विवाद के चलते हमला किया था। हमले में मनसे नेता संदीप देशपांडे के दाहिने हाथ में दो फ्रैक्चर हुए हैं और उनके पैर में चोटें आई हैं। मनसे नेता ने पुलिस को अपने हमलावरों का विवरण भी दिया और कहा कि अगर वे फिर कभी उनके सामने आए तो वे उनकी पहचान कर लेंगे। हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस की 8 टीमों का गठन किया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव संदीप देशपांडे पर हुए हमले, भाजपा विधायक नीतीश राणे ने दावा किया कि वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी हैं और इस हमले के पीछे युवा सेना के नेता का हाथ है। राणे ने कहा कि पिछले कुछ महीने से देशपांडे वरुण सरदेसाई के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। हम सभी पिछली सरकार में सरदेसाई की शक्तियों को जानते हैं। अब देशपांडे पर हमला किया गया है। सरदेसाई की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मनसे की धमकी, हमलावरों को इसी भाषा में दिया जाएगा जवाब। मामले की अधिक जानकारी देने से इनकार करते हुए अधिकारी ने कहा कि हम उनके हमलावरों के बारे में कुछ जानकारी मिली है। पुलिस ने घटना को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास और 506 का भाग 2 आपराधिक धमकी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देशपांडे के पार्टी सहकर्मी अखिल चित्रे ने बाद में एक वीडियो जारी करके कहा कि हमलावरों को भी इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा।